गुरु गोबिंद सिंह महाराज जी सिंघासन से बैठे ने तो पीर बुद्धू शाह जी आ गए। पीर बुद्धू शाह जी आके चरणा ते नमस्कार करती हुण बेनती करते ने हे गरीब नवाज सतगुरु जी तुहाडा हुक्म होवे ते तुहाडे चरणा दी बेनती करा मैं। तो कलगीधर प्रीतम जी आखन लगे पीर जी दसो की कहना चाहते हो। सतगुरु कृपा करो ये दसना करो खुदा ते खुदा दे बंदे दा मिलाप किवें होवे। जिन्हें तुसी बैठे हो इत्थे जे इत्थे आए हो हर कोई चाहता है मेरा परमात्मा दे नाल मिलाप हो जाए। चाहुंदियां भैणां कि नहीं चाहुंदियां परमात्मा नाल मिलाप हो जाए? चाहुंदियां जे ना जे चाहुंदियां परमात्मा नाल मिलाप हो जाए तो हथ खड़े करो। मैंने पता लगे कि भैणां चाहुंदियां हथ खड़े। वीर कि चाहते ने परमात्मा नाल मिलाप हो जाए हथ खड़े करो। इस तरह अज पीर बुद्धू शाह जी आखन लगे सतगुरु दसना करो खुदा ते खुदा दे बंदे दा मिलाप किवें होवे। सतगुरु ने अठ लफ्जां जवाब दिता कहिंदे ओ पीर जी बंदे ते खुदा च कोई इट्टां दी दीवार नहीं कोई पत्थर दी दीवार नहीं कोई संगमर दी दीवार नहीं जे दीवार है तो उहदी अपनी होमे दी दीवार है। की कहिंदे सतगुरु? कहिंदे पीर जी होम हुआ खुदा हुआ। की आख्या? होम हुआ खुदा हुआ। अपनी होमे मार दो तो तुहाडा मिलाप है खुदा दे नाल। तुसीं खुदा दे कोल वसोगे जदों तुहाडी होमे मर गई। होमे एड्डी भैड़ी हुंदी जे एवें नहीं। सतगुरु बाणी च कहिंदे हंकारियां निंदकां पिट दिओ नाम दिओ मुख लाया। हर जी हंकार ना पावे उहनूं हंकार नहीं पावे।